दिल्ली की एक पहचान बन चुके गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आज आग लग गई। समय समय पर यहाँ पर गर्मी के दिनों में यह देखा जाता है कि आग लग जाती है, लेकिन आज सोमवार के दिन यहाँ पर भयंकर आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो गाजीपुर का एरिया है डंपिंग यार्ड के अगल बगल का पूरा धुआं धुआं हो चला है। यहाँ पर आप देखिए, वहां पर मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप देख सके तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ऊपर में तैनात है जो लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। खबरों के मुताबिक करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर तैनात की गई है जो गाजीपुर डंपिंग यार्ड में लगी इस वक्त जो आग है उसे बुझाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे का इलाका है गाजीपुर डंपिंग यार्ड का, ये अपने आप में जो ये कचरे का पहाड़ जो बना हुआ है यहाँ पर दिल्ली की बॉर्डर पर, ये उसके पीछे का इलाका है। इससे पहले एक इलाका NH-24 की तरफ का है, ये उस साइड आग नहीं लगी है बल्कि ये पीछे साइड में आग लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुल्ला कॉलोनी है, गाजीपुर का एरिया है और करीब 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं, करीब दोपहर 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी है और उस पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो लगातार इस काम में लगी हुई है, लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और फायर ब्रिगेड की, दिल्ली फायर सर्विस की एक और गाड़ी जो है वहां जा रही है आग बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए। बहुत ही यहाँ पर JCB से भी लगातार काम चलता रहता है, यहाँ पर कचरों को साइड लगाने का जो भी JCB का काम है उससे वो चलता रहता है, लेकिन उन सब के बीच में दिल्ली फायर सर्विस की हम एक और गाड़ी देख सकते हैं जो वहां पर आग पर काबू पाने के लिए ऊपर जहां पर आग लगी हुई है वहां पर जा रही है। खबरों के मुताबिक करीब 6 दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां यहां पर लगी हुई है। देख सकते हैं पूरा इलाका यहां पर धुआं धुआं हो चुका है। आप ये शाम का वक्त है, करीब अभी 4:30-5 बजे का वक्त हो रहा है और आप देख सकते हैं कि 2.5-3 घंटे हो चुके हैं लेकिन इस आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई थी, खबरों के मुताबिक और भी बढ़ सकती है लेकिन इस आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। इस गाजीपुर डंपिंग यार्ड को लेकर समय समय पर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आती रहती है। हमने देखा है आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के नेता एक दूसरे पर गाजीपुर डंपिंग यार्ड को लेकर समय समय पर आरोप लगाते रहते हैं। अब हाल ही में ये जो गाजीपुर डंपिंग यार्ड है ये कोंडली विधानसभा में पड़ता है, कोंडली विधानसभा के जो विधायक है कुलदीप कुमार, उन्होंने पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा सदस्य है गौतम गंभीर, उन्हें ट्वीट कर यह पूछा है कि कब तक इस डंपिंग यार्ड में आग लगती रहेगी। आग लगी नहीं और यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और BJP जो है आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर के। एक और गाड़ी अब यहाँ पर जाती हुई देख सकते हैं आप, दिल्ली फायर सर्विस की, फिर से लगातार गाड़ियां यहाँ पर जा रही है, गाड़ियां पहुंच रही है। आग जो है उस पर अभी फिलहाल काबू पाया नहीं जा सका है। पूरा जो एरिया है पूरा धुआं धुआं आप देख सकते हैं, धुआं धुआं चारों ओर फैला हुआ है, लगातार उस जगह से धुआं निकल रहा है। गर्मी के दिनों में अमूमन यहाँ पर गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आग लगती है और दिल्ली फायर सर्विस की एक और गाड़ी यहाँ पर आग बुझाने के लिए जाती हुई आप देख सकते हैं। तो ये गर्मी के दिनों में जैसे हमने बताया कि आग यहाँ पर लगती रहती है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। कुलदीप कुमार ने जो पूर्वी दिल्ली से BJP के सांसद है गौतम गंभीर, उनसे ये सवाल किया है ट्वीट करके कि कब तक इस गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आग लगती रहेगी, इसका वो जवाब दे, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के टाइम पर और बाकी वक्त में भी गौतम गंभीर ने ये दावा किया था कि वो बहुत जल्द इस गाजीपुर डंपिंग यार्ड का जो है निपटारा कर देंगे, उसे इस जगह से कैसे इस कचरे से कैसे पार पाना है उसका पूरा वो प्लान तैयार करेंगे। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि उस पर काम भी हुआ है, लेकिन अभी भी जिस तेजी के साथ या जिस रफ्तार से होना चाहिए काम वो अभी तक नहीं हुआ है। ये गाजीपुर डंपिंग यार्ड आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया है, इसको हटाने में या इससे निपटने में वक्त भी लगेगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कोने में भयंकर आग लगी हुई है जिससे निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां लगातार आग बुझाने के लिए इस कचरे के पहाड़ पर जा रही है। अपने सहयोगी प्रदीप तोमर के साथ मैं योगेश सोमकुंवर
लोकमत हिंदी।